दोस्तों पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और दुनिया का इकलौता देश जिसकी शक्ल इनसे मिलती है। यकीन नहीं आता तो ये रहा सबूत। और ऐसी शक्ल वाले देश के नए पीएम बने इमरान खान, जिसको अपनी पत्नी संभाली नहीं जाती वो इंसान अब देश संभालेगा। और सही मानो इन भाई साहब की दो शादियां ऑलरेडी हो चुकी है और अब हाल ही में इनकी तीसरी शादी भी हो चुकी है। मतलब पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने का जिम्मा इन भाई साहब को वहाँ के लोगों ने दे दिया है, जिसकी खुद की नैया दो बार डूब चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पाकिस्तान की हालत उस भिखारी की तरह हो चुकी है जिसके पास भीख मांगने के सारे हुनर टैलेंट मौजूद है, लेकिन भीख मांगने के लिए कटोरा ही नसीब नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भीख पाकिस्तान को यूएसए से मिलती थी उस भीख से पाकिस्तान एटम बम बनाता था। और यह भी बात सच है कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने एटम बम की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा किया है। और आज की हालत ऐसे है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने में इंडिया से भी आगे निकल गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के किस कंट्री के पास कितने ताकत और न्यूक्लियर बम है, तो आप यहाँ क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो भी हो, पाकिस्तान एटम बम बनाने के मामले में इंडिया से आगे तो निकल गया, लेकिन यह भी बात भूल गया कि एटम बम से पेट भरा नहीं जाता। और अगर एटम बम से पेट भरता तो भी पाकिस्तान इसे नहीं खाता, क्योंकि इनको एटम बम की संख्या बढ़ाकर इंडिया के आगे जो जाना है। खैर जो भी हो, लेकिन यही वो मुख्य कारण है जो पाकिस्तान को अब लेकर डूबने वाला है। क्योंकि एटम बम के चक्कर में इन बेवकूफों ने ना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ध्यान दिया और ना ही कंट्री के डेवलपमेंट पर। और आज इसी के कारण आज पाकिस्तान पर 90 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है, जिसमें से 19 बिलियन वर्ल्ड बैंक और 14 बिलियन चाइना को देने हैं। और इनको अपना करंट डेफिसिट क्लियर करने के लिए 8 बिलियन डॉलर्स चाहिए। मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान को यह पागल कुत्ता काटना लेता तो शायद आज पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। लेकिन इन्हें तो एटम बम बनाने हैं, शायद इन्हें ये एटम बम इमरान खान की चौथी शादी में फोड़ने हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। मैं जानता हूँ वीडियो काफी लेट आई हुई है और इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। आपकी जो थॉट्स है मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और मैं पाकिस्तानी दोस्तों से अर्ज करूंगा कि आपके पास तो घरों में टॉयलेट तो हो गई, तो कृपया वही टॉयलेट करें या कमेंट सेक्शन में नहीं। धन्यवाद।